राज्यस्तरीय अंतर जिला विद्यालय बालक एवं बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का ये अंडर 19 बालक वर्ग का मुकाबला रेड कॉर्नर में सिगम कुमार पटना के, जबकि ब्लू कॉर्नर में है पीयूष कुमार मुंगेर के। और ये बेल के साथ पहला राउंड का बॉट बहुत ही लगातार रेड कॉर्नर में सिगम कुमार का अटैक लेफ्ट राइट लगातार, जबकि बेहतर डिफेंस में पीयूष कुमार ये लगातार पंच और स्कोर अपने अपने खाते में करते हुए ये बाउट लगातार, ये अंडर 19 बालक वर्ग का बाउट है जो कि फाइनल मुकाबला है खेला जाता हुआ। ये लगातार लेफ्ट राइट लेफ्ट, और ये पीयूष कुमार जो कि मुंगेर के हैं उन्होंने सिगम कुमार पर अपने पन से रेफरी ने क्लियरेंस के बाद एक बार पुनः बाउट स्टार्ट किया और ये दोनों बॉक्सर फाइनल मुकाबला खेलते हुए, और इस बार रेड जर्सी में सिगम कुमार ने पंच से पीछे ढकेला। मैं बताता चलूं कि राज्यस्तरीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के आधार पर राज्य टीम का गठन किया जाना है और ये बहुत ही तेजी से ये फ्लैट पंच चेहरे पर सिगम कुमार के, और रेफरी ने इशारा के बाद ये सिगम कुमार को ये काउंटिंग, और सिगम कुमार ने अपने को बेहतर माना और फिर से ये बाउट प्रारंभ। लगातार ने पंचों से पीयूष कुमार सिगम पर हावी होते हुए ये मुकाबला जो कि ये बेल के साथ पहला राउंड समाप्त हुआ, ने अपने जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए राउंड टू, और एक बार पुनः पीयूष कुमार ब्लू जर्सी में मुंगेर के, और इस बार काफी तेजी से सिगम कुमार जो कि लाल जर्सी में है लेफ्ट राइट पंचों के साथ सिगम कुमार पर हावी। इस राउंड में काफी आक्रामक रुख दिखाते हुए सिगम पटना के, और इस काफी इंडोरेंस चाहिए इस मुकाबले में, स्ट्रेंथ इंडोरेंस, और ये लगातार दो पंच पीयूष ने सिगम के चेहरे पे लगाया, और एक बार फिर जवाबी हमला, और सिगम और पीयूष के बीच ये मुकाबला काफी बराबरी का, और लगातार टेक्निकल पॉइंट के थ्रू सिगम इस मुकाबले में अपने आप को बनाए रखे हुए हैं। पुनः ये लेफ्ट राइट का पंच, और ये पंच कोशिश होती है कि लगातार प्रतिद्वंदी के चेहरे पर ये पंच किया जाए ताकि खिलाड़ी पर ज्यादा से ज्यादा हासिल किया जाए, और एक बार पुनः ये बाउट प्रारंभ हुआ और सिगम कुमार काफी अपने आप को डिफेंसिव में रखे हुए, जबकि पीयूष कुमार अपने पंचों से सिगम कुमार को पीछे ढकेलते हुए, और ये दूसरा राउंड समाप्त हुआ। और ये अंडर 19 बालक वर्ग का मुकाबला दो राउंड समाप्त हो चुके हैं। मैं बताता चलूं कि देश में बॉक्सिंग का लगातार क्रेज बढ़ रहा है, चाहे वो हम महिला वर्ग की बात करें या
पुरुष वर्ग की विजेंद्र कुमार ने पहली बार ओलंपिक्स खेलों में देश का नाम रोशन किया था बॉक्सिंग मुकाबले में। उसके बाद फिर मैरी कॉम जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन होने का गौरव हासिल हुआ, वर्तमान में लवलीना बारगोइन, और ये बेल के साथ तीसरा राउंड प्रारंभ हुआ। और लगातार इस बार मुंगेर के पीयूष कुमार जो कि ब्लू जर्सी में अपने पंचों से हावी हैं, और ये लगातार एक दूसरे का पंच लेफ्ट राइट और ये पंचों की प्रहार टेक्निकल पॉइंट्स के थ्रू ये बढ़ाते हुए पीयूष कुमार, और ये मुकाबला और ये खतरनाक ढंग से पीयूष ने हमला किया था सिगम पर, और रेफरी का ये काउंटिंग, और ये मुकाबला समाप्त हुआ। सिगम कुमार ने अपने आपको इस प्रतियोगिता से बाहर किया। कुछ ही क्षण बाद इस बाउट के विजेता की घोषणा की जाएगी। मैं बताता चलूं कि ये 19 वर्ष बालक वर्ग की प्रतियोगिता है, और इस बाउट में विजेता रहे हैं रेफरी के द्वारा, ये हैंड रेज के द्वारा बताया जाएगा। और ये पीयूष कुमार मुंगेर के इस बाउट को जीता फाइनल वर्ग, फाइनल में बालक 19 वर्ष से कम आयु वर्ग में। मुस्कान परवीन सारन की जो कि ब्लू जर्सी में ब्लू कॉर्नर में। मैं बताते चलूं कि देश में महिलाओं में बॉक्सिंग का क्रेज जब से मैरी कॉम और लवलीना बारगोइन जैसे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया, तब से देश में बॉक्सिंग के प्रति बालिकाओं में और महिलाओं में क्रेज बढ़ता जा रहा है, और उसी के परिणाम है कि यहाँ हम विद्यालय स्तर की इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर में लगभग 200 खिलाड़ी जो कि विभिन्न आयु वर्गों में यहाँ भाग ले रही हैं, राज्य के विभिन्न जिलों से यहाँ चयनित होकर आई हैं। और ये बेल के साथ राउंड वन रेड जर्सी में खुशबू कुमारी भोजपुर की, और सारन की मुस्कान लगातार अपने पंचों से हावी होते हुए, लेकिन एक बार पुनः खुशबू ने जो कि रेड जर्सी में है भोजपुर की अटैक बनाया, और ये अटैक लगातार परवीन की द्वारा सारन की, एक बार पुनः डिफेंस मोड में भोजपुर की खुशबू कुमारी, और ये रेफरी के द्वारा ये बाउट रोका गया। जिस तरह से खतरनाक ढंग से मुस्कान ने खुशबू पर प्रहार किया था, और खुशबू के द्वारा अपने आप को बेहतर बताए जाने के बाद एक बार पुनः बाइट स्टार्ट, और इस बाउट में फॉल ये हुआ, रेफरी ने चेतावनी दी, खुशबू के द्वारा ये फॉल किया गया। खुशबू लगातार अपने पंचों से मुस्कान पर हावी हैं, और जिस तरह से अपने चेहरे को छुपाई हुई थी मुस्कान, रेफरी ने चेतावनी दी, और एक बार पुनः ये लगातार मुस्कान परवीन सारन का
की हैं जो वो हमला करते हुए अपने बाउट से, लेकिन जवाबी में मुस्कुर ने भी भोजपुर ने लगातार ये किया और इस बाउट को रोका गया। और एक बार पुनः भोजपुर के खुशबू कुमारी से ये काउंट के द्वारा, ये रेफरी के द्वारा खुशल छीम और फिर ये मैच प्रारंभ। सारण की मुस्कान परवीन लगातार अपने बेहतर पंचों से इस मुकाबले में बनी हुई हैं और ये पहला राउंड समाप्त। नेक्स्ट बॉल रजनीश कुमार कटिहार, जो सेकंड राउंड वो प्रारंभ होना है और बेल के साथ ये सेकंड राउंड प्रारंभ। एक बार पुनः मुस्कान परवीन अपने लेफ्ट पंच का लगातार इस्तेमाल करते हुए और लंबे कद काठी की मुस्कान परवीन सारण की ये अपने बाएं हाथ के पंचों से टेक्निकल पॉइंट्स बटोरती हुई। और इस बार हावी है लगातार भोजपुर की खुशबू कुमारी, जो कि जवाबी रूप से इस मैच में बने रहने के लिए अपने लेफ्ट और राइट पंचों का प्रयोग करते हुए, लेकिन एक बार पुनः मुस्कान परवीन अंडर आर्म पंच के बदल, आप देखें कि मुस्कान के द्वारा विभिन्न प्रकार के, चाहे वो स्ट्रेट पंच हो, राइट पंच हो, लेफ्ट पंच हो, ये इसके द्वारा ये किया जा रहा है अपना मुआयना। और एक बार पुनः लगातार पंचों के द्वारा मुस्कान इस प्रतियोगिता में अपने लिए अंक बटोर रही हैं। और ये खुशबू का हिट इस बॉक्सिंग में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ इंडोरेंस है। लगातार जिस ताकत से और जिस पावर के साथ आप प्रहार करते हैं, ये अंत तक बनाए रखने की जरूरत होती है और इसके लिए खिलाड़ी काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि न सिर्फ आपको गति बल्कि प्रहार, अपने मुक्कों की प्रहार भी उतना ही वजनदार रखना पड़ता है और समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यह दूसरा राउंड समाप्त हुआ। बालिकाओं की 17 वर्ष से कम उम्र की ये फाइनल मुकाबला चल रहा है, जिसमें रेड कॉर्नर में खुशबू कुमारी भोजपुर की, जबकि ब्लू कॉर्नर में है मुस्कान प्रवीण सारण की। ये 2 मिनट का बाउट जो कि 3-3 राउंड में खेला जा रहा है, यानी 2-2 मिनट के 3 बाउट होते हैं और हर कॉर्नर पे एक एक जज होते हैं जो कि अंकों का निर्धारण करते हैं हर पंच का, हर और अंत में अंकों के आधार पर मुकाबले में विजेता की घोषणा की जाती है। और इसी के साथ थर्ड राउंड और शुरुआती पंच ये मुस्कान के द्वारा और खुशबू से ये ऑफिशियल्स ये खिल छल छेप होते हुए एक बार फिर खुशबू के द्वारा अपने आप को ठीक बताए जाने के बाद मैच प्रारंभ। और एक बार पुनः ये स्ट्रेट पंच खुशबू के चेहरे पे और इस प्रकार अपने आप को मैच से अलग किया गया खुशबू के द्वारा भोजपुर की। और ब्लू कॉर्नर यानी मुस्कान प्रवीण सारण की इस बॉट में विजेता घोषित हुई।
मैं बताता चलूं कि खेलों में विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि खेल भावना सर्वोपरि हो, यहाँ प्रतिभागिता महत्वपूर्ण होती है, और ये भी ध्यान रखा जाता है किसी भी नियम में और निर्णायक के द्वारा कि खिलाड़ी चोटिल ना हो, वो अपने बेहतर प्रदर्शन का तो ज़रूर ख्याल रखे लेकिन वो प्रतिद्वंदी को किसी भी हाल में नुकसान ना पहुंच सके, यानी घायल ना हो, और इसीलिए ये बॉक्सिंग या कुश्ती जैसे मुकाबले में ये नियम बनाए गए हैं कि निर्णायक को यानी टेक्निकल ऑफिशियल को जब भी लगे कि कोई भी खिलाड़ी यदि उस बाउट में बनने लायक नहीं है तो ये राउंड वन प्रारंभ हो चुका है बालकों का। रजनीश कुमार कटिहार के रेड कॉर्नर में, अभिषेक तिवारी मुजफ्फरपुर के, और मुजफ्फरपुर के अभिषेक तिवारी से कुशल क्षेम पूछते हुए रेफरी एक बार पुनः बाउट प्रारंभ, और ये एक बार रजनीश कुमार कटिहार जिन्होंने ये लोअर पंच लगा करके अभिषेक तिवारी को और काफी ही आक्रामक मूड में है रजनीश तिवारी कटिहार के रेड जर्सी में। एक बार पुनः इनका स्ट्रेट पंच और रेफरी उनसे खेल कुशल छेम यानी काउंटिंग करते हुए, और इसी के साथ ये मुकाबला फर्स्ट राउंड में ही समाप्त हुआ। और जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि आरएसी यानी रेफरी ने इस स्पॉट को रोक दिया, और पहले ही राउंड में हम यूं कहें कि ये मैच समाप्त हुआ, जो कि रजनीश कुमार कटिहार और अभिषेक तिवारी मुजफ्फरपुर के बीच चल रहा था। और इस मुकाबले में विजेता घोषित हुए कटिहार के रजनीश कुमार, और रेड जर्सी में रेड कॉर्नर में जो बाई ओर हैं, जबकि अभिषेक सिंह दाहिनी ओर कटिहार के, इनके बीच यह मुकाबला होना है मैच से पूर्व, जो कि सेफ्टी गेयर जिसे हम कहते हैं हेड गार्ड ग्लव्स, ये लगाना जरूरी होता है, और निर्णायक के द्वारा दोनों ही प्रतिद्वंदियों का ये चेक किया जाता है कि ये सारे जो बचाव के उपकरण हैं उनके द्वारा पहने गए नहीं, साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि क्या किसी प्रतिद्वंदी द्वारा ऐसी कोई वस्तु या ऐसे कोई कपड़े या रिंग तो नहीं धारण किया गया जिससे कि प्रतिद्वंदी को कुछ हानि हो, उन्हें चोट पहुंचे। और इस प्रकार राउंड वाउंड प्रारंभ हुआ रेफरी के द्वारा, और लगातार जो ब्लू जर्सी में अभिषेक सिंह कटिहार के हैं वो हावी हैं। प्रिंस कुमार शेखपुरा पर लगातार अपने स्ट्रेट पंचों के साथ, दोनों ही खिलाड़ी लंबी कदकाठी के, इस तरह से अंडर आर्म और ये लेफ्ट राइट पंचेस ओवरहेड पंचेस लगातार। मैं बताता चलूं कि ये प्रयास होता है कि स्ट्रेट पंच के द्वारा खिलाड़ी को नॉकआउट अपने प्रतिद्वंदी को किया जाए, और इसी का प्रयास, और दोनों ही
ब्लू कॉर्नर में अभिषेक सिंह या रेड कॉर्नर में प्रिंस कुमार लगातार अपने पंचों से एक दूसरे पर हावी, और ये अभिषेक सिंह के द्वारा जो स्ट्रेट पंच दिया गया उसमें उसके द्वारा थोड़ी गेम को रोका गया, और ये रेफरी के द्वारा सही पाए जाने पर पुनः ये बॉट स्टार्ट, और लगातार ये दूसरे पर प्रहार करते हुए बहुत ही सदे हुए ये प्रहार, लेकिन एक बार फिर रेड कॉर्नर में प्रिंस कुमार शेखपुरा जो कि इस पंच से थोड़े से असहज हुए थे, और फिर रेफरी ने ये मैच प्रारंभ किया और अभिषेक का ये सीधा स्ट्रेट पंच चेहरे पर प्रिंस के। और यदि देखा जाए कि दोनों ही खिलाड़ी एक ही कद काठी हैं, लेकिन इसमें जितनी फुर्ती अभिषेक सिंह के पंचों में है और लगातार वो अपने फ्रंट और बैक पोजीशन चेंज करते हुए लेफ्ट और राइट से ये पंच कर रहे हैं और अपने लिए अंक बटोर रहे हैं, और इसके साथ पहला राउंड समाप्त हुआ। और इस बॉक्सिंग की सबसे महत्वपूर्ण खासियत ये है कि न सिर्फ आप अपने को पोजीशन बेहतर पोजीशन बनाते हैं लेफ्ट राइट मूवमेंट के साथ, बल्कि अपने पंजों को ही उतनी ही संतुलित के रूप से प्रहार करते हैं प्रतिद्वंदियों के द्वारा। और हर राउंड के बाद खिलाड़ियों के लिए ये रिलैक्स का मौका दिया जाता है, और पहले राउंड के बाद ये दूसरा राउंड प्रारंभ हुआ ब्लू कॉर्नर में अभिषेक सिंह कटिहार के, जो कि लगातार अपने पंचों से शेखपुरा के प्रिंस पर हावी हैं, और एक बार पुनः शेखपुरा के प्रिंस से निर्णायक के द्वारा कुशल क्षेम पूछा गया और ये बॉट पुनः स्टार्ट हुई। और ये लेफ्ट 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 ये अपने लेफ्ट पंचों से लगातार पॉइंट बदलते हुए जवाबी हमला भी बीच बीच में किया जा रहा है प्रिंस के द्वारा, लेकिन अभिषेक सिंह के जो लगातार पंचेज हैं उसके सामने प्रिंस टिक नहीं पा रहे हैं और ये मुकाबला रोका गया। प्रिंस कुमार थोड़े कमजोर पड़ रहे थे, और एक बार पुनः जो रेफरी ने ये पाया कि ये मैच आगे नहीं खेला जा सकता और मैच रोककर अब ये परिणाम की बारी, और बालक अंडर 19 विजेता दूसरे राउंड में ही मैच समाप्त होने वाला, और ये कटिहार के अभिषेक सिंह ने ये बॉट जीत लिया है। इन प्रतियोगिता के माध्यम से जो हमारे राज्य के खिलाड़ी हैं वो बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक एशियाड जैसे खेलों में पदक हासिल कर हम सबों को गौरवान्वित करेंगे। अगले कार्यक्रम में हम किसी खास खेल प्रतियोगिता में और खास मेहमानों से बात करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।